बामौर के डिपो मोहल्ला निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र मिठनलाल नामदेव के घर में पीछे से सेन लाकर अज्ञात चोरों द्वारा जेवरा सहित करीब 80,000 रुपये का सामान चोरी कर लिया गया। फरियादी द्वारा चोरी की रिपोर्ट बामौर पुलिस थाने में कर दी गई है। फरियादी नरेंद्र सिंह नामदेव ने बताया कि गत 7 दिसंबर को उसके बेटे की शादी थी। 8 दिसंबर को उसकी बेटी की बारात लौटकर घर आई तो रात्रि को कमरे के अंदर अपने तथा मेहमानों के रखे 3 बैग जिसमें सोने की 2 अंगूठी, 1 करधौनी, 2 जोड़ी तौड़िया, 4 जोड़ी पिछिया सहित 20,000 रुपये नकदी रखे हुए थे। अज्ञात चोरों द्वारा पीछे से सेना का चोरी कर लिए गए। चोरों ने बैग में से जेवरत तथा रुपये निकालकर बैगों को मंदिर के पास फेंक कर चले गए हैं। ज्ञात हो कि अज्ञात चोरों ने कमरे में रखे इंडियन गैस के 7 सिलेंडरों से हाथ तक नहीं लगाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह? हाँ जी। नरेंद्र सिंह बताओ, ये क्या घटना हुई, चोरी की है? सर अब ये रात 8 तारीख को बारात वापस आई थी। हाँ। ऐसे 2:30 बारात किसकी वापस आई थी? बच्चे की बेटे की शादी थी आपकी? शादी थी। कितनी तारीख की शादी थी? 7 तारीख की शादी थी। 7 तारीख की शादी थी। कहाँ गई थी बारात? आगरा। आगरा तो वहाँ से लौट करके आए थे? लौट करके आए थे। तो फिर क्या हुआ? सब शाम को आके जैसे अपन सामान इधर रख दिया, कुछ उधर रख दिया। हाँ। तो रात को हम सो गए आ रहे थके आके। हाँ। और रात में चोरी हो गई है। रात को चोरी हो गई? चोरी हो गई। तो क्या सामान आपका काय में रखा था? ये 4 बैग थे, 1 सूटकेस था। 4 बैग सूटकेस था, एक रूम कमरे में रखे थे। तो ये कहाँ पड़े मिले? ये पीछे बंजर में पड़े मिले थे, माता के मंदिर के पास। माता के मंदिर के पास। क्या क्या सामान था इसमें? सब 4 2 अंगूठी थी सोने की, 1 कंगनी थी, 2 पजेब थी और 4 बिछिया जोड़ी थी। 20,000 कैश था। 20,000 रुपये कैश था। कैश था। और जेवरात वगैरह थे? जेवरात। तो ये सारा सामान वो ले गए? सब ले गए सर। कपड़े डाल गए, बैग को छोड़ गए। बैग और कपड़े डाल गए उधर खोल। बैग और कपड़ा छोड़ गए। तो इसकी रिपोर्ट कर दी आप थाने? रिपोर्ट कर दी। पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस आई थी। और क्या सामान गया? और सब कुछ सर, कोई सामान नहीं गया। तो ये जो मकान में आप रह रहे हो, कब से रह रहे हो यहाँ? इसमें 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना? इससे पहले कहाँ रहते थे? अपना मकान है सामने। अच्छा, सामने मकान बन रहा है। हाँ जी, मकान बन रहा थोड़े का उसके लिए समझ ले लिया था। अच्छा, मकान बन रहा था इसीलिए आपने ये थोड़ी देर के लिए यहाँ ले लिया? शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ रह रहे थे आप परिवार के साथ? परिवार। कितने परिवार में लोग हैं आपके? मैं हूँ, मेरी घर से मैडम है। हाँ। बच्चे बाहर रहता था। बच्चे? अब वो दीपाली पाया है। अच्छा, बच्ची की शादी होगी, बच्ची की भी शादी है, दोज की, दीपाली की दोज के लिए आई है। तो ये जो शादी हुई थी लड़के की, बारात लौट करके आई थी? लौट करके आई थी। रात को रुके तो उसी रात को चोरी हुई? उसी रात को बारात आई, उसी रात को चोरी हुई है। तो ये सब जेवरात वगैरह चोरी गए? जेवरात। करीब कितना चोरी हो गया होगा आपका कमर? और देखो ये तो 2 अंगूठी जैसे बता रहा हूँ आपको। हाँ, करीब अंदाज में कितने लाख का चोरी होगी? मान लो सर ज़्यादा नहीं तो 80-90 हज़ार का तो चला ही गया। 80-90 हज़ार रुपये का। पुलिस ने कितनी रिपोर्ट दर्ज की है? 10,000 की करी है साहब। कैश 10,000 लिखा है इसमें। हाँ। 2 अंगूठी लिखी है। मतलब आपका 20,000 रुपये गया था, पुलिस ने 10,000 रुपये कैश लिखा है? 10,000 कैश। अच्छा, और क्या अंगूठी लिखी है? 2 अंगूठी लिखी है सर। अच्छा, तो आपने कहा नहीं साहब मेरा तो 20,000 रुपये से गया हुआ है? सब बोला था वो, तो उन्होंने 10,000 लिख दिया, क्या कह सकते हैं, कुछ बोल तो सकते नहीं। अच्छा, आपके अनुमान में 80 लाख रुपये की चोरी है? 80,000 तक की। 80,000 रुपये की। अच्छा, तो पुलिस ने जो है 20-30 हज़ार की चोरी दर्ज की है? हाँ बाबा, मान लो 20 और सामान लिख दिया।